1928 मॉडल की फोर्ड वाले की गड्डी आ सारी ए टू जेड ओरिजिनल थोड़े सामने ते कमाल दी टोर सी इहदी टूल बॉक्स आता था सर उस टाइम पे जी लैदर का जी जी लैदर दा दर्शको टूल बॉक्स हुंदा सी उसी समय से जमाने से यहां पर ही है जी जी बिल्कुल ये आप लगा सकते हैं आप बाप ने इसमें एक्सेसरीज में आता है ये तो भैया कितनी कीमत होती होगी उस जमाने में ये कितनी कीमत मिलती होगी उस जमाने में उस समय दर्शको 1928 मॉडल फोर्ड दी हैगी गड्डी ये यूएसए दी बनी हुई है फोर्ड वालों की देखो किड्डी प्यारी ते सारी ओरिजिनल है गड्डी सुनमे दा साडा मोहम्मद फराज ने भैया सत श्री अकाल नमस्कार क्या हाल है थैंक यू हाउ आर यू फाइन सर सर ये मॉडल 1928 है जी बिल्कुल तो कहाँ से ली थी सर आप ये सर एमपी से ली थी मेरे फादर ने जी सर सिंगल ओनर कार थी जी जब हमने इसको तैयार करा रेस्टोरेशन करा स्टार्ट करा अराउंड 2 इयर्स का रेस्टोरेशन चला जी इसमें काफी सामान हमने इंपोर्ट किया है लाइक हेडलाइट लेंस है इसमें ओरिजिनल फोर्ड का स्क्रिप्ट है जी ये रेडिएटर ग्रिल है जो पूरी इम्पोर्ट हुई हुई है कहाँ से फ्रॉम यूएस यूएसए से इम्पोर्ट किए जी ग्रिल से इम्पोर्ट है एम्बलम्स दीज सब चीजें ये इंपोर्ट हुई हुई है इस गाड़ी के अंदर इवन द स्क्रूज आर इंपोर्टेड जी बिल्कुल स्क्रूज का सर कितने एचपी है ये सर 27 एचपी है 27 एचपी है चार सिलेंडर 27 एचपी दी हैगी हॉर्स पावर तो बहुत कमाल सर ये बिल्कुल सर ये सब चीजें इंपोर्ट्स हैं ये विंड विंग ग्लासेस आते थे सब इंपोर्ट किए हुए हमने इंपोर्ट किए हैं बिल्कुल एवरीथिंग इज ओरिजिनल वाह जी वाह कमाल ये हेडलाइट्स ये हैं जी खोल जी बिल्कुल बिल्कुल श्योर बिल्कुल देखो दर्शको इस हिसाब की गड्डी है देखो ले आ फोर्ड वालों की इदा खोल सकते हैं अंदरों दिखा दियो चार गेयर जी बिल्कुल तीन फ्रंट और एक बैक है ना बिल्कुल सर बिल्कुल सर कमाल की गड्डी है देखो मगरले पास सारी ओरिजिनल सर मेंटेन करना कितना मुश्किल है मेंटेन करना सर रेगुलर मेंटेनेंस करते हैं हमारे पास वर्कशॉप है शर्मा ऑटोज जयपुर के नाम से जी जयपुर में ही जी दिल्ली रोड पे जी वहाँ पे मेरे पास काफी गाड़ियाँ हैं एंड दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कार आई हैव ओल्डेस्ट कार है सबसे पुरानी आपके पास पुरानी तैयार करी हुई गाड़ी है जिसको हम मेंटेन रेगुलर करते हैं जी अपोस्ट्री रेगुलर ऑयल चेंज है कलर की साफ सफाई होती रहती है रेगुलर रेगुलर ड्राइविंग भी करते हैं हम जयपुर क्लासिक कार ड्राइव है हमारा जयपुर का क्लब है जिसमें हम रेगुलर ड्राइव करते हैं इस गाड़ी में इवन इसके टायर्स भी ओरिजिनल है इम्पोर्ट किए हुए हैं डनलप फोर्ड के कौन सी कंपनी के डनलप फोर्ड के टायर चक्के वगैरह बहुत ओरिजिनल है सर सस्पेंशन वगैरह कैसी थी सस्पेंशन बिल्कुल परफेक्ट है सर अभी ओवरऑल करके आए हैं कमानी हैं शोकर ओरिजिनल हैं लगे हुए इसके अंदर कंपनी के शोकर आए हुए हैं जी फोर्ड के ही हैं सभी ओरिजिनल फोर्ड के हैं बिल्कुल बिल्कुल तो सर बात यूँ है कि बहुत पुरानी है जी इंडिया में कितनी होगी इस टाइप की इंडिया में सर काफी फोर्ड मॉडल ए बनी थी जी इंडिया में आई भी थी तो सर कॉमन कार आती है ज्यादा मिलती रहती है इसके मैं आपको इंजन दिखाता हूँ इंजन खोल कर देखते हैं दर्शकों का इंजन दिखा दिए थोनू मैं इंजन दिखा दिया स्टैंड हो जाएगा ना देखो भी इस हिसाब का इंजन है चार सिलेंडर इंजन है सर क्या क्या था बता दो यहाँ पर चार सिलेंडर इंजन है फोर्ड ए मॉडल का जी ये कार्बोरेटर है इसका ये डेल्को आ गया जिससे स्टार्टिंग होती है इसके अंदर जी बाकी जब इंजन है एग्जॉस्ट है इनलेट है मेड इन यूएसए है ना मेड इन यूएसए एवरीथिंग इज मेड इन यूएसए वो लेदर का क्या है इसमें ये बॉक्स टूल बॉक्स आता था सर उस टाइम पे लेदर का जी जी लेदर का दर्शको टूल बॉक्स हुंदा सी उसी समय से जमाने से यहाँ पर ही है जी जी बिल्कुल ये आप लगा सकते हैं आप बाप ने इसमें एक्सेसरीज में आता है ये तो भैया कितनी कीमत होती होगी उस जमाने में ये कितनी कीमत मिलती होगी उस जमाने में सर अराउंड 8-9 हज़ार 10 हज़ार तक की मिल जाती होंगी 8-9 हज़ार दर्शकों समय सी पर इस वक्त वैल्यू कुछ कमाल है इस वक्त तो सर वैल्यू बढ़ जाती है तो ऐसा फोल्ड भी हो जाते जी ये बिल्कुल फोल्ड हो जाता है छतरी वगैरह लगता है बिल्कुल छतरी भी दिखा दियो आ कट्ठे होके इतना नु कवर हो जाती सी स्टीयरिंग व्हील्स एंड ऑल मीटर्स देखें आप फोल्ड लिखा हुआ है सब इंपोर्टेड है ना हर चीज ओरिजिनल है दर्शकों इस चीज दी दिखा दूं थोनू मैं आ देखो मीटर वगैरह इदां दे ने हर चीज़ की ओरिजिनल लगी हुई है कमाल की सू नज़र आ जाऊगी बॉडी शेप देख लो तुम कि प्यारी तो कि वधिया लगी हुई है मतलब दस दें भी चक्के चुके कि हाँ लाइट्स वगैरह टायर एमपी का नंबर है एमपी का जी एमपी नंबर है मध्य प्रदेश जी चलती है सर आज भी बिल्कुल परफेक्ट एवरीथिंग रनिंग कंडीशन रनिंग कंडीशन वाह डनलप फोर्ड ये कंपनी है अभी चलती है नहीं अब बंद हो गई है ना करने पड़ते हैं इनको जी जी ये भी बड़ी मुश्किल आती होगी बिल्कुल बिल्कुल इंपोर्ट करने में कितने टाइम में आती होगी जो सामान आप इंपोर्ट करते हो तो सर पूरा ईयर का रजिस्ट्रेशन होता है पूरी गाड़ियों में धीरे धीरे जैसे जैसे मिलता है उसी जमाने का सामान जो हम लेना चाहते हैं उसी का अपडेट करना चाहते हैं वही चीज लगे गाड़ी के अंदर तो ब्यूटीफुल भी बनेगी और ओरिजिनल भी बनेगी गाड़ियाँ तो वो फोर्ड वाले बना कर देते हैं नहीं नहीं ये कंपनीज हैं काफी वहाँ पे जो मैन्युफैक्चर करते हैं वो बना कर देते हैं सब चीजें जी जी बहुत कमाल है बटन है सब इम्पोर्ट हुए हैं ये बटन जिसके क्या मायने था ये सर कर्टन आते हैं वो कर्टन के लिए है जी देखो इस काम की विंडोज ने देखो बहुत सोना बैके देख सकता हूँ बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल देखो आज के बैके देखिए मड़ा या देखो मगरली सीट तो ऐसा उदा नज़ारा सी ता बहुत कमाल का व्यू होता दूरों मगर करके दिखा दो मगर हटते जायो भी गद्दे बुद्दे बहुत पोले ने फोर्ड वाले की बनी हुई है गड्डी ये
1928 मॉडल की फोर्ड वाले की गड्डी आ, सारी ए टू जेड ओरिजिनल थोड़े सामने, तो कमाल की टोर सी यदि। तो मैं दस दया सर, ये भी बहुत कमाल के लगे होते ना, पहले जमाने में बहुत ज्यादा मेहनत करते थे गाड़ी बिल्कुल डेकोरेशन पे, बिल्कुल डेकोरेशन, देखो ये फोल्ड वगैरह लगा, अब कौन सा सिंपल बस है ना, अभी बिल्कुल सिंपल आता है, लोहा आता है, और फोल्ड करके वो एक दूसरे का डिजाइन चोरी करके जी थोड़ा बहुत इधर उधर करके चलता है, मगर पहले जमाने में ये रंग जेन्युइन यही था उस वक्त का, उस टाइम पे यही रंग था, बाकी पेंट किया हुआ है, वो पेंट पे उसका है ना, समय के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो ये इस पे क्या है, यहाँ सेम है ना, देखो ऐसा अंदरले पासों से। तो पेट्रोल कितना पड़ता था सर? पेट्रोल का एवरेज तो ये अभी चार पाँच, मतलब टैंक कितने लीटर टैंक ये है, 40 लीटर का टैंक है, 40 लीटर का जी, ये टैंक है और ये रेडिएटर है जी, रेडिएटर पानी गर्म वगैरह तो नहीं होती थी? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, देखो यार रेडिएटर हो गया, नॉब उत्ते देते गया इतों, ये हो ना उसका ढक्कन हो गया जी बिल्कुल, नॉब और लोगो भी और समेत है ना बिल्कुल। तो आप मगरले पास पेट्रोल टैंक है, सारियाँ पेट्रोल ही होंगे सी जी बिल्कुल, ये पेट्रोल टैंक है जी जी, पेट्रोल टैंक हो गया इधरले पास। तो ब्रदर थैंक यू, आपने समा दिया, टाइम दिया, मेहरबानी। सो दर्शकों अगली बार होर के नवा विशा लैके मिलते हैं। दुनिया दियां पुरानियां तो पुरानियां गड्डियां वेखण दे लई ते अपना चैनल हरपेश तू सबसक्राइब कर लो, फेसबुक ते भी ते यूट्यूब ते भी, ते उत्थे आली शान सानू गड्डियां मिलनियां देखण लई जिहड़ियां आम तौर ते किसी ने वेखियां ही नहीं, ते उन्हां दे विचों आ फोर्ड गड्डी भी सानू इक दिखाई गई। इदू पहलां इक 1913 मॉडल दी भी गड्डी पाई दिखाई आपां, जिहदे कि लक्कड़ दे टायर सी, ते वक्खरियां सारियां चीज़ां आपां इस चैनल ते दिखावांगे, भावें ओह ट्रैक्टर होण भावें ओह गड्डियां होण। तां सबसक्राइब कर लिओ, शेयर कर दिओ, मेहरबानी, धन्नवाद।